शुरू करें। क्लास 12 प्लीज, बातें नहीं, थर्मोडायनेमिक्स की है ये क्लास, प्लीज बातें नहीं, मना किया मैंने, सुना नहीं आप लोगों ने। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12, और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? अब तक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे आज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में ना एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जिक्र होगा, तो हेडिंग डालिए आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री, और इसके अंदर लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दी ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन, यहां से खड़ा हूं, आगे बैठ पेन मैं दूंगा तुझे, पल्लवी उधर हो, पल्लवी उस तरफ हो जा, पेन चाहिए इनको, 20 रुपए लाया, 20 रुपए के नाम से पेन भी मिल गया तुझे। तो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ चेंज ऑफ फेज। यहां पे ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ फेज, फेज चेंज मतलब सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में, या लिक्विड से किसी भी चेंज में फेज हो रहा है, और ज्यादातर फेज की जगह क्या आएगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी उसके बारे में थर्मोकेमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से बताता है। समझ में आई आप लोगों को बात? तो थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हो गया ना सभी का? हेडिंग डालेंगे आप लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। देखिए आप लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, कोई भी रिएक्शन ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो कोई भी आप जो रिएक्शन लिखते हैं ना, उस रिएक्शन में आपको उस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सभी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना पड़ेगा, जैसे वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है या लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेंशन करना पड़ेगा। साथ में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि उसमें जो हीट एनर्जी है उसने एब्जॉर्ब करी है या रिलीज करी है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में लिखेंगे द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट समझ गए, क्या वो सॉलिड में है, क्या वो लिक्विड में है, क्या वो गैस में है, वो फिजिकल स्टेट बताएगा ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, और साथ में किसका बताएगा प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट का, दोनों के फिजिकल स्टेट को बताएगा। एंड हीट चेंज, कि हीट में कितना चेंज आया है, इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हीट में कितना चेंज आया है उसके बारे में भी हमें बताएगा ये। हाँ जी प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, दोनों चीजें मुझे बताइए आप लोग, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि कौन सा हीट ट्रांसफर हो रहा है किसी सिस्टम में, जब उसका फेज ट्रांसफर हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है। फिर हमारे पास एक आया थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है, इसमें आपको किस किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके फिजिकल स्टेट की, किसके फिजिकल स्टेट की, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, और साथ में कितना हीट चेंज आया है वो भी आपको ये बताया जाता है। हो गया यहां तक सभी बच्चों का? अगली लाइन में आप लोग लिखेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे यहां पे दे दिया इन्होंने KClO3, ध्यान से सुनना, KClO3 ये कन्वर्ट हुआ KCl में और प्लस में O2 में, क्या ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन की तरह ट्रीट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जल्दी बताओ, इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन, अगर मान लो मैं यहां पे फिजिकल स्टेट मेंशन कर दूं तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गई? अब क्यों नहीं हुई है? क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट का दिया गया है, प्रोडक्ट का, अगर मैं प्रोडक्ट का भी लिख दूं तब भी ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी क्या? क्यों? कितना हीट चेंज हुआ ये भी आपको बताना पड़ेगा। एक याद है आप लोगों को, मैंने डेल्टा एच कराया था, याद है? डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी, या क्या होता है? वो भी यहाँ पे मेंशन होगी। लेट सपोज इसमें निकलने वाली जो वैल्यू थी, वो निकलने वाली वैल्यू थी x किलो जूल पर मोल। अब इस पूरी रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि आप इसमें फिजिकल स्टेट पता है सभी की, अरे है कि नहीं है यार, रिएक्टेंट की भी पता है और
प्रोडक्ट की भी पता है और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ये भी मेंशन है। डेल्टा एच यहाँ पे पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हम इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहने वाले हैं। जल्दी से एक एग्जांपल लिखेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं तुम्हें कराने वाला हूं आज, जल्दी करिए फटाफट से। डन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी फिजिकल स्टेट का पता होना चाहिए और हीट एनर्जी का भी पता होना चाहिए, इसलिए हम इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे और साथ साथ लिख लेना आप। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ, थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ, क्या ये हो गया है सभी का? थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ नहीं हुआ था, क्या रह गया था? हाफ ओ टू आएगा, पता नहीं क्या। इस बात को कितना अरसा बीत गया, इस कोई हमारे बीच में कोई रंजिश ही नहीं, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, इसके दिमाग में यही चलता रहता है भाई ऐसे लक्षण। किस बच्चे को लगा है कि बहुत तेज मारे बताओ मुझे, किस बच्चे को लगा है बताओ मुझे एक बार बताओ। चलिए अभी मुद्दे पे आते, थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन में थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, कितने तरह के होते हैं ये? दो तरह के। कितने? दो। कौन कौन से हैं? एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। हेडिंग डालिए नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर, हेडिंग डालेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक नाम से पता चल गया प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एंट्री होगी, ये क्या करेगा? द रिएक्शन विच, क्या लिखा हुआ है यहां पे? एब्जॉर्ब हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसी को क्या बोलने वाले हैं हम? एंडोथर्मिक लिखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जल्दी करेंगे फटाफट से, ठीक है? उसके बाद आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई बताओ मुझे फटाफट से, जिसमें हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। एक हम यहां पे काम करते हैं, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, क्या है हमारे पास? बोर्ड पे एक बार ध्यान देंगे, क्या है हमारे पास? वो किसमें कन्वर्ट होने लग रहा है? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो ये जो एंडोथर्मिक है, क्या है ये? एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है ये? अच्छा एब्जॉर्ब, पहले तुम्हारे पास रिएक्टेंट था या प्रोडक्ट था? तो एब्जॉर्ब रिएक्टेंट करेगा या प्रोडक्ट करेगा? खुशबू बेटा यहां ध्यान दे, ठीक है? कौन एब्जॉर्ब करेगा यहां पे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की तरफ सम एनर्जी आप ऐड कर दोगे, लेट्स सपोज द एक्स, क्या? एक्स किलो जूल पर मोल आप ऐड कर दोगे। ये यूनिट याद रखना, किलो जूल पर मोल में ही बात होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये धीरे धीरे दो तीन दिन में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल पहला दिन है तो तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। किस तरफ ऐड किया मैंने? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, ये हीट को क्या कर रहा था? बोल यार फटाफट। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि एच आर, क्या क्या एच आर क्या होता है? बोल 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 बोलो क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ, बोल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एच आर था, क्या था? तो एच पी क्या था? बोल फटाफट से, मेरे साथ साथ लिख ले इतना फटाफट से, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे, बड़ी अच्छी बात तुमने कही, मुझे एक बात बतानी है तुम लोगों को, पहले ये लिख लो। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये बताइए, साफ पता चल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में किसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? रिएक्टेंट ने, तब जाके क्या बना? अब एक बात बताइए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी एचआर, प्रोडक्ट की एंथैल्पी थी एचपी, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, एचआर के पास या एचपी के पास? किसके पास? किसके पास? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मैं, ये है एचआर, क्या है ये? एचआर की कुछ वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम एचआर की वाई, क्या ले लेते हैं हम? वाई में अगर एक्स जोड़ोगे तब आएगा एचपी। अरे यार, रिएक्टेंट में कुछ ऐड हुआ तब जाके वो क्या बना है? क्या ऐड हुआ है? एनर्जी। क्या ऐड हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब तुम खाना बनाते हो
राइस की बात कर लेते हैं, चावल की बात कर लेते हैं, जो सूखे चावल होते हैं उसमें वो ज्यादा गर्म होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, या जो गीले चावल जो तुमने बनाया अभी ताजा ताजा जो बनाया, यानी कि प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है? अरे है कि नहीं है यार? रिएक्शन के पास कम एनर्जी है। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने तुम्हें बताया अभी कि रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी ऐड करोगे तब जाके क्या बनने वाला है। अगर मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट की जो वैल्यू है, रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है यहां इस जगह पे है, तो प्रोडक्ट इससे ऊपर होगा या प्रोडक्ट इससे नीचे होगा? जल्दी बताओ, ऊपर होगा। क्यों होगा ऊपर, समझ गए? क्योंकि उसमें एनर्जी क्या हुई है, ऐड। उसमें एनर्जी क्या हुई है, ऐड। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से हमें कहां पे जाना है, प्रोडक्ट पे। जब भी ऐसा रिएक्टेंट होगा इधर नीचे, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होगा, तो ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन कहलाएगी प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक। ओके, अब मुझे बताइए, मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहां से लेके और यहां से लेके इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूं, डेल्टा एच। किससे रिप्रेजेंट करूं? अच्छा बताइए, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? किसकी एनर्जी ज्यादा है? और सुनो, हमेशा याद रखना, याद रखोगे वैसे तुम लोग, एक बार ये ग्राफ बना लो, ये रिएक्शन लिख लिया ना तुम लोगों ने, जल्दी करो फटाफट से। डेल्टा एच निकालना है मुझे। हां जी, हमेशा याद रखना, हमेशा क्या, एचपी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा है, एचपी की या एचआर की? एचपी की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि उसमें एंथैल्पी ऐड हुई है। अरे हुई है कि नहीं हुई है? अगर एचपी ज्यादा बड़ा है, यहां साइड में लिख देता हूं मैं, और तुम लोग भी बता सकते हो कि एचपी अगर एचआर से बड़ा है, ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? कैसे आएगी? यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आए ना, तो वो रिएक्शन क्या कहलाने वाली है, एंडोथर्मिक। क्या कहलाने वाली है? तो यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ग्राफ समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बता किसी बच्चे को, है क्या यार, बोल फटाफट से। हाँ जी, ऐसे क्यों करा? देखो सुनो, रिएक्टेंट है, आप इसको मत देखो, आप ये देखो कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे था रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे है कि नहीं है? और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अब समझो यहां पे, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से समझेंगे। रिएक्टेंट यहां पे था, लेट सपोज मेरा हाथ रिएक्टेंट है, मेरा हाथ क्या है, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में जाएगा, मेरे हाथ का एनर्जी लेवल ये था, क्या था, ये था, पोटेंशियल एनर्जी हाइट वाइज मेजर करी जाती है, करी जाती है। अब समझो, रिएक्टेंट जैसे जैसे किस में कन्वर्ट होगा, अरे कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, तो सीधा सीधा जाएगा या उसकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए हमें उसे ऊपर दिखाना पड़ेगा हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, और यहाँ पे जाके वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया वो? अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसके पास कम एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास कम एनर्जी है वो, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो, उल्टा होता है हमेशा। तो ये बताइए, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल? पक्का ना? एक बार ये सब कुछ लिख लो, यहाँ पे ये डेल्टा एच लिख लो, डेल्टा एच पॉजिटिव में ये लिख लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, जल्दी करिए फटाफट से। हो गया है सभी बच्चों का? अरे हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। हो गया है सभी का? पक्का ना? आगे से मेरे साथ साथ लिखना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, किसकी बता रहे थे आप लोग, हेलो, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी किससे, स्टेबिलिटी ऑफ, अपने ग्राफ में देखिए किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। ऐसा आप लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के। ऑब्वियसली एचपी की वैल्यू ज्यादा थी किससे, एचआर से, इसीलिए 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 जो हमारा प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होगा, और रिएक्टेंट है, बोलना यार, रिएक्टेंट क्या होगा, मोर स्टेबल, क्या होगा, मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रिएक्टेंट, कम स्टेबल कौन होता है, प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी का एग्जांपल बताऊं, चावल वाला एग्जांपल लिया था हमने, जो कच्चे चावल होते हैं क्या उसे तुम मैश करके तोड़ सकते हो,
नहीं ना, लेकिन जो प्रोडक्ट बन गया वो मैच करके टूट जाएगा। ज्यादा स्टेबल कौन था? कच्चे चावल, पके हुए चावल ज्यादा स्टेबल नहीं है। वेरी गुड, ये लाइन लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू किससे, प्रोडक्ट से। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है या नहीं आई है, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से। पक्का आ गई है? पूछ लूं मैं अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने? अरे हाँ कि ना यार? ओके, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? डेल्टा। और एचपी ज्यादा होता है या एचआर ज्यादा होता है? स्टेबल कौन होता है? एचआर नहीं, रिएक्टेंट। क्या एचआर बोलोगे तो एंथैल्पी हो जाएगा। समझो, शब्दों का चयन ढंग से करना है। इसी बात के तो तुम्हारे नंबर कटे थे, नहीं तो सब तो पढ़ने वाले बच्चे हो ही तुम सब, पाप लगेगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप लोग। क्या ये हो गया था सभी बच्चों का? पक्का हो गया था? अरे हुआ था कि नहीं हुआ था यार? पक्का ना? जल्दी बताओ, मिटा दो ना सब कुछ ये। अच्छा भाई, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप लोग। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। और सुनो, दूसरे बैच वालों को बताना मत कि आज क्या हुआ है। हैं? हाँ ठीक है, उसमें तू भी आएगा। क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को, क्या नाम देंगे हम? एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक कंपाउंड या प्रोडक्ट, जो भी है। समझ में आई बात के नहीं आई यार, बता दो फटाफट से। क्या ये हो गया है सभी का? तो दो पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझ में आ गए। पहला, रिएक्टेंट हमेशा स्टेबल होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया था ना सभी का। कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक कंपाउंड या प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनो, अरे इधर इधर ध्यान दो। ये पॉइंट ना समझने से पहले मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूं, तुम लोगों को यहां पे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज ए बी में कन्वर्ट हुआ, ए किस में कन्वर्ट हुआ, और ए जब बी में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो डेल्टा एच था, ध्यान से सुनना, इसका क्या डेल्टा एच 50 था। कितना था? 50 किलो जूल पर मोल था। अरे प्लीज, मैंने बोला ना ये लिखो फटाफट से एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। सी से डी में गया और इसमें जो डेल्टा एच है वो 80 किलो जूल पर मोल है। दो रिएक्शन तुम्हारे स्क्रीन पे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी की, सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूं? स्टेबिलिटी की। अच्छा ये बताओ, ए क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और बी क्या है बोला? अच्छा बताओ, ए और बी में कंपेयर करें, सिर्फ किसमें, जल्दी बताओ यार, ए और बी में कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों होगा? ए रिएक्टेंट है और ए के पास कम एनर्जी है, बी के पास। ओके, तो स्टेबिलिटी में क्या हुआ प्यारे बच्चों, ए इज मोर, बोलना यार, ए इज मोर स्टेबल देन किसके किसके किसके, बी के। अच्छा चलो छोड़ो इसी कहानी छोड़ो, यहां पे देखते हैं। ये भी डेल्टा एच कैसा है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। डेल्टा एच देख के बताना कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है। अच्छा यहाँ पे स्टेबिलिटी बताऊं तो मैं, बोल स्टेबिलिटी, सी इज, समझ में आया ना तुम लोगों को, सी इज मोर स्टेबल देन डी, इतना लिख लो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्टेबल देन डी, अगर मैं, हो गया ना ये सभी, हुआ ना दोनों, एक रिएक्शन में तो कर लोगे, बड़ा आसान है, लेकिन अब कंपैरिजन आ गया दोनों रिएक्शन में, किसमें आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ, ए से जब वो बी बना तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसने, और ए जब सी से डी बना तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी? 80। ज्यादा एनर्जी किसने ली है? सी से डी में। तो जो प्रोडक्ट बना उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो ज्यादा अनस्टेबल यही होगा, ज्यादा अनस्टेबल, और ये कम अनस्टेबल होगा क्योंकि इसने कितनी ली है सर, इसने कितनी ली है, तो इसका मतलब अगर मैं बी और डी को कंपेयर करूं, किसको कंपेयर करूं मैं, बी और डी को करूं, तो कौन ज्यादा अनस्टेबल है? डी। और ज्यादा स्टेबल कौन है? समझ में आई बात, बी इज मोर स्टेबल देन किससे, बी से। लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार?
और इसमें ए और सी में, हेलो ए और सी में करेंगे तो ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वेरी गुड एज कंपेयर टू द सी, ये स्टेबिलिटी की ऑर्डर है। लॉजिक क्लियर है कि नहीं है बता दो मुझे फटाफट। चलिए इसी लाइन को हम शब्दों में पिरोते हैं, क्योंकि ए में, ए को देखिए, ए जो है ए के पास कम एनर्जी थी, ठीक है, और सी के पास ज्यादा एनर्जी थी। आप इसको ऐसे लिखिए, ये हो गया सभी का, ये बताओ मुझे पहले। चलिए आप इसे ऐसे लिखिए फटाफट से, इफ मोर हीट इज जल्दी करेंगे थोड़ा सा, इफ मोर हीट इज एब्सॉर्ब्ड देन द प्रोडक्ट फॉर्म, मोर हीट इज एब्सॉर्ब्ड देन द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन विल बी लेस स्टेबल, इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल, और अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट कैसा होगा, मोर स्टेबल। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा और प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल है ना, और प्रोडक्ट विल लेस स्टेबल। तो मैंने शायद यहां पे गलत लिखवाया ना, अभी लास्ट वाला सही कर लेंगे आप लोग, सी इज मोर स्टेबल देन ए, सी इज मोर स्टेबल देन ए कर लेना, क्योंकि सी की एनर्जी कम थी, सी की एनर्जी कम थी, उसमें ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसका प्रोडक्ट हमेशा लेस स्टेबल होगा, लेकिन रिएक्टेंट हमेशा मोर स्टेबल होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी रिएक्शन को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को, तो मुझे एक बात बताइए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैं किस तरफ एनर्जी को ऐड करूं, रिएक्टेंट की साइड किस तरफ ऐड करूं, एक्स किलो जूल पर मोल मैंने यहां पे डाल दिया, यानी कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उसमें कितना ऐड हुआ है, सिर्फ एक्स किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, क्या इधर ध्यान क्यों नहीं रहता, चांटे आएंगे और क्या, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लिख लिया। अच्छा एक बात बता, अगर इधर एक्स रिएक्टेंट साइड में एक्स प्लस में है तो प्रोडक्ट साइड में जाके ये क्या हो जाएगा, बोलना यार क्या हो जाएगा। तो मैं इसे इसी रिएक्शन को ऐसे ए प्लस बी, अब ये ना लिख के इधर, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, जल्दी बता क्या हो जाएगा उधर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये और ये सेम है या अलग है, सेम है, अरे है कि नहीं यार, जल्दी बता फटाफट से। तो ऐसे लिख लो बात एक ही है। अच्छा एक और बात बताओ, मुझे अगर मैं ए प्लस बी फिर एरो लगाऊं और फिर मैं यहां पे लिखूं सी प्लस डी, और ध्यान से सुनना ना, इधर ऐड कर रहा हूं ना इधर माइनस कर रहा हूं, इधर कॉमा लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने, कॉमा लगा हुआ हो तो यहां पे लिखा होगा अलग से क्या, डेल्टा एच, क्या लिखा होगा, अच्छा रिएक्शन कैसी है प्यारे बच्चों, डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी प्लस का एक्स किलो जूल पर मोल, प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स किलो जूल पर मोल। तीनों तरीके समझ में आ गए, रिएक्टेंट के साइड क्या होगा जल्दी बता यार, एड, प्रोडक्ट के साइड क्या होगा माइनस, और अलग से कॉमा में क्या होगा प्लस, तीनों तरीके हैं किस चीज के, जल्दी से लिख लो, तीनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग हो गया, तीनों बातें समझ में आ गई है, पहचान लोगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। चलिए फटाफट से ये लिख लिया सभी बच्चों ने, चलिए नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल है हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन, मोस्टली जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं, डिसोसिएशन का मतलब समझते हो, टूटना, क्या तोड़ना, जैसे अभी एक रिएक्शन मैंने कराई थी याद है आप लोगों को, KClO3 पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, अब ये टूटा, क्या हुआ, टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, अच्छा बताओ, ये अपने आप टूटेगा या इसे एनर्जी देनी पड़ेगी,
तो KCl सॉलिड प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, हाफ O2। किस फॉर्मेट में था ये, गैस। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो डेल्टा एच जो भी होगा, मुझे तो याद भी नहीं है वैल्यू, और तुम्हें याद नहीं करना है, बस साइन बता दो मुझे। डेल्टा एच की वैल्यू जो भी होगी, लेट सपोज वाई है, क्या है, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने हीट को क्या किया है, हीट को क्या किया है, एब्सॉर्ब, हीट को एब्सॉर्ब किया है, तभी जाके ये क्या हुआ है, टूटा है। ये इसका इसका एग्जांपल है, समझ में आई बात। दूसरा एग्जांपल है, लिख लिया ना सभी बच्चों ने? अरे हाँ कि ना यार। अच्छा इसका एक एग्जांपल है, मैं इसमें आऊंगा, फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। इसकी फटाफट से, फ्यूजन में क्या होता है बताओ बच्चों? फ्यूज होता है, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? क्या सॉलिड अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होगा या हीट को एब्सॉर्ब करेगा? बोल यार क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब। तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव में। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। वेपराइजेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? वेपराइजेशन में लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगा? क्या जब तुमने किसी भी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया है तो हीट उसमें से निकाली है या दी है उसके अंदर? तो यानी कि डेल्टा एच उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, सुनना इसमें, लिक्विड के पास, सुनना ओए हेलो, लिक्विड के पास ज्यादा एनर्जी होगी या गैस के पास ज्यादा एनर्जी होगी? तो किसी को अगर मारना है, किसी को अगर जलाना है, तो गर्म पानी से, खोलते हुए पानी से मारोगे या वेपराइज्ड गैस? खोलते पानी से नहीं, वेपराइज्ड गैस से। तुमने देखा होगा, तुम घर में कुछ खाना बनाते हो और सडनली तुम उसका ढक्कन हटाते हो और उसके उसकी जो भाप निकल के आती है वो ज्यादा जलनशील होती है एज कम्पेयर टू द गर्म पानी से, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हुई है, ऐड हुई है। लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो उसमें एनर्जी क्या है, ऐड, इसलिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। अब आगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होगा बताओ? सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस में कौन कन्वर्ट होता है? इसका एग्जांपल हम क्या लिख दें, आई टू, आयोडीन सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन गैस में। और यहां पे डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आई आप लोगों को? अरे आई के नहीं आई, ओके सभी का हो गया ये। एक एग्जांपल और लिख लो बस, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो नहीं रहा, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। सब्लिमेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। जितने बच्चों को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आती है वो लिखिए, फोटोसिंथेसिस की जितने बच्चों को रिएक्शन आती है वो लिखिए। फोटोसिंथेसिस जानते हो कैसे? अच्छा फोटोसिंथेसिस ऐसे ही हो जाती है या किसी की प्रेजेंस में होती है? किसकी प्रेजेंस में? तो वो सनलाइट के में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप को खेलता है। क्या करता है वो, मतलब क्या खेलता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बताओ ना, कौन किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड, हाँ, किसकी प्रेजेंस में? तो सनलाइट से हीट मिल रही है ना उसे, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस, बैलेंस कर लेना है, ऐसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना, और इसमें जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमारी फोटोसिंथेसिस, समझ में आई बात। एक और एग्जांपल लिखना है, कहां जाओगे, लिखो फटाफट, सिग्नेचर के साथ जाना है, पर एक और एग्जांपल लिखना है उससे पहले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया ना। अच्छा मैं एक एग्जांपल यहां पे और बताना था मुझे, पर बता दूं, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इसकी ना यहाँ पे गलत इमेज लगा रखी है, एक सेकेंड रुक जाओ बस। इसका एग्जांपल आप लोग करेंगे फटाफट से, ये है इंस्टेंट कूलिंग पैक, जानते हो उसे, सुना है इसके बारे में? क्या होता है ये इंस्टेंट कूल पैक है? क्या होता है, सडनली तुम्हारे घर में किसी को चोट लग गई, सूजन आ गया कहीं पे भी, जैसे क्या बोलते हैं उसे, गोमड़ा निकलना बोलते हैं, सर में चोट लग जाती है, तो तुरंत ही फ्रिज में जाते हैं, फ्रिज में ढूंढते हैं बर्फ, अगर वहां पे बर्फ ना हो तो उस टाइम पे ये मेडिकल किट की तरह काम होता है। 240 रुपए का या 250 रुपए की पैकेट आती है। इसमें क्या मैकेनिज्म है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है हमारे पास पैकेट, ये बाहर का पैकेट है, सुनना, उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है यहाँ पे? इस पानी के अंदर एक छोटा सा पैकेट और है, छोटा सा पैकेट, और यहां पे थोड़ी थोड़ी सीलिंग है, मतलब इतनी सीलिंग है कि अगर तुम इसे स्क्यूज करोगे, मतलब इसे दबाओगे,
तो यहां से ये फट जाएगा और यहां से इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो निकल जाएगा बाहर, और जैसे ही निकलेगा वो पानी से रिएक्ट करेगा, और जैसे ही वो पानी से रिएक्ट करेगा वहां पे होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी? और एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कहीं पे हो रही है और उसे तुम टच करोगे तो तुम्हें ठंडा महसूस होगा या गर्म महसूस होगा? ठंडा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको छोड़ दे, ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है हमारा, जल्दी बताओ। एंडोथर्मिक, कैसा प्रोसेस है यार? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मुझे ये बताओ ये क्या करेगा? हीट को अपने अंदर, बोलना, हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और तुम अपने जब सुंदर नरम हाथों से इसे टच करते हो, ठीक है, अपने हाथों से टच करते हो, उसे छूओगे, तुम्हारी बॉडी कैसे सेंस करेगी? तुम्हारी बॉडी की हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे हाँ कि ना यार? तो तुम्हारी बॉडी हीट को क्या कर रही है? लॉस कर रही है। तुम्हें कैसा महसूस होगा? कूल, ठंडा। इसलिए इसका नाम पड़ा कैसा? इंस्टेंट आइस पैक। इंस्टेंट आइस, अच्छा इंस्टेंट आइस पैक में आइस नहीं होता है, होता है अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है? मैं यहाँ पे इसके रिएक्शन लिख रहा हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये डायग्राम बनाना है तो बना लेना, नहीं तो रिएक्शन जरूर लिख लेना। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? NH4NO3। ये सॉलिड फॉर्मेट में होता है, जब इसे स्क्वीज करोगे तो ये बाहर निकलेगा और पानी में डिजोल्व हो जाएगा, और पानी में जब डिजोल्व होगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस, और साथ में लॉट्स ऑफ हीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। कैसी होगी? बोल यार कैसी होगी? और तुम्हें कैसा महसूस होगा? फीलिंग कूल। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखो, टेस्ट की तैयारी करो। केला हो गए हैं, हेडिंग डालेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसा कि आपको पता है एंडोथर्मिक में क्या हुआ था? हीट को एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच इवॉल्व्स, द रिएक्शन विच इवॉल्व, आज नहीं, हीट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डन हो गया। आप लोगों को याद होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, पूरी कहानी याद होगी कि नहीं होगी ये बताओ मुझे। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? अच्छा ये बताओ, डेल्टा एच निकालते थे याद है आप लोगों को? जो डेल्टा एच होता था वो इस केस में, अच्छा किसी केस में डेल्टा एच निकालने का क्या तरीका था? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ, याद है ना आप लोगों को? चलिए एक काम करिए, पहले ना आप रिएक्शन लिखिए, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। HR HP के बारे में जानते हैं आप लोग? HR क्या है, HP क्या है, जल्दी लिखिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। HR इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। HP क्या है? वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, वेरी, ये बहुत इंप्रेसिव है कि ये बात आप बता पा रहे हो, कई बच्चे बता नहीं पाते। डेल्टा एच इज एच पी माइनस, मुझे इसकी वैल्यू को नेगेटिव लाना है, क्या लाना है? कैसे आएगा? एच आर ज्यादा बड़ा होगा पिछले केस में, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया, तभी ये पहचान होगी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स एच आर इज ग्रेटर देन किस से? एच पी से। अच्छा ये बताओ, एक बार लिख लो इतना फिर बताना मुझे, किसकी एनर्जी ज्यादा है? एचआर की। एचआर मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबल कौन होगा? प्रोडक्ट। स्टेबल कौन होगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा वो कम स्टेबल। अगला पॉइंट यही लिखेंगे आप लोग, ये हो गया यहां तक। अच्छा इसमें कुछ और चीजें मिसिंग कर रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं हम, क्या था वो? ग्राफ, याद है आप लोगों को? तो ग्राफ बनाते हैं फटाफट से, इसका ग्राफ बना सकते हो तुम लोग, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? रिएक्टेंट की। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा, रिएक्टेंट ऊपर से स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट नीचे पे जाके खत्म हो जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। हाँ जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
ये जो पॉइंट है ये रिएक्टेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे हाँ कि ना यार, और ये वाला हमारा प्रोडक्ट, और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एच, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहलाएगा ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन हो गया यहां तक, उसके बाद आप लोग पहचान ही लोगे फटाफट से, एक लाइन लिखेंगे, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि रिएक्टेंट यहां पे कम स्टेबल है, प्रोडक्ट यहां पे, लाइन लिखेंगे फटाफट से, पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द, बिकॉज मोर बॉन्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। कुछ गलत नहीं लिखा यहां पे, लेस हीट इज रिक्वायर्ड, ओके हाँ ठीक है, वही तो, रिएक्टेंट में कम लगेगी प्रोडक्ट में ज्यादा लगेगा, ठीक है परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उस, अच्छा पिछले वाले प्रोडक्ट को क्या बोल रहे थे हम, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक कंपाउंड, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक कंपाउंड, लाइन लिखेंगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट, इट्स वेरी सिंपल, डन। एंड इससे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, डन नहीं सभी का, ओके इससे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इफ मोर हीट इज रिलीज, जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्शन के अंदर मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, और द रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल, और जो रिएक्टेंट बनेगा वो लेस स्टेबल है, जो रिएक्टेंट बनेगा वो लेस स्टेबल, मतलब अगर कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लग रहा है प्रोडक्ट में और उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होने लग रही है, लेट सपोज द वैल्यू इज माइनस 50 किलो जूल पर मोल, मुझे बताइए प्यारे बच्चों के ज्यादा स्टेबल कौन होगा और क्यों होगा, बताइए फटाफट से, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, डन हो गया सभी का, इसमें नीचे एग्जाम्पल भी लिख लेना आप लोग, ये थे तीन पॉइंट्स, फटाफट से इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम, डन हो गया सभी का, ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा बताइए एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, किस तरफ रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साइड रिलीज होगी या फिर रिएक्टेंट के साइड रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साथ रिलीज होगी, लेट सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और यहाँ पे मिला हमें सी प्लस डी और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, लेट सपोज यहाँ पे हमें वाई किलो जूल पर मोल मिल गया, तो मैं प्रोडक्ट के साथ क्या लिख दूंगा, प्लस में, प्रोडक्ट के साथ क्या लिख दूंगा, प्लस में, अच्छा एक बात बताइए इधर अगर प्लस में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, कोमा नहीं है ध्यान देना, ए प्लस बी माइनस वाई किलो जूल पर मोल, उससे उल्टा है जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था, क्या सीखा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन से उल्टा है ना यार, अरे हाँ के ना यार, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, सी प्लस डी, ये दोनों रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, अच्छा एक बात बताइए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए प्लस बी, इसमें कन्वर्ट होगा ये सी प्लस डी, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बोल 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 बोल, अब क्या करूं, डेल्टा, डेल्टा एच के साथ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस, माइनस किसमें, माइनस वाई किलो जूल पर मोल, तीनों तरीके सेम है, लास्ट वाला ज्यादा कॉमन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या तीनों तरीके आपको समझ में आ गए हैं, अरे हाँ कि ना यार, ओके फटाफट से कर लो, डन हो गया सभी का, किसका रह गया, इतना स्लो क्यों है भाई, चले आगे, ओके नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कंबशन रिएक्शन, कोई भी चीज जलाओगे लाइक CH4 जलाओगे, अच्छा प्यारे बच्चों मुझे बताओ CH4 गैसियस फॉर्म में था, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, जलाओ ऑक्सीजन डालो और जला के क्या मिलेगा आपको, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, जो ये CO2 बना ये ज्यादा स्टेबल है या CH4 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट, क्या है ये, वेरी गुड, प्लस में साइड में क्या निकलेगा H2 और साथ में इसका जो डेल्टा एच होगा
वो कितना होगा, माइनस में होगा। ये वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे साइन साइन बता रहा हूँ। वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, वो तुम्हें याद भी नहीं करनी है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो इसे बैलेंस करना जरूरी है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा गैस में, CO2 हो जाएगा गैस में, और H2 हो जाएगा लिक्विड में। अगर रिएक्शन किसी कंबशन की नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन इसे बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, चार है, तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे चार चाहिए, तो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे हाँ कहना यार, और दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिएक्शन हो गई बैलेंस, साइन मुझे पता चल गया है नेगेटिव। किसी को भी जलाओगे तो उसमें से आग निकलेगी, है ना? कौन सी रिएक्शन है ये? अरे इतने सीरियस क्यों हो तुम सब, इतने मासूम चेहरे नहीं है तुम्हारे, हरामीपन झलकना आंखों से नहीं साले, वैसे देख रहा है ऐसे गंदे तरीके से। इट इज कॉल्ड द कंबशन रिएक्शन। समझ में आई बात? नवरात्रों में माता ने इतनी कृपा करी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे को, मैं खुश हो जाता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मुझे याद आ जाते हैं जो ये आवाजें हैं ना, चंदन सर के रूम से कुछ आवाज आ रही है, इसकी वजह से मुझे कुछ अपना बस मैं क्या ही बताऊं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्यारे बच्चों क्या होता है? एसिड को बेस में मिलाओ, खट्टे को जो बेबी को पसंद है उसमें मिलाओ। क्या पसंद है बेबी को? बेस। उसे खट्टा खाना नहीं पसंद है। सॉल्ट बनेगा, साथ में पानी निकलेगा, हंस रहे हो, और एनर्जी भी निकलेगी। डेल्टा एच इज नेगेटिव, हाँ कि ना? कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक होगी। लिख लिया ये रिएक्शन, तो किसका इंतजार है तुम लोगों? चले आगे। अच्छा भाई ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। यार रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज है ना, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेट में होता है, या जो हमारे खाना हम जो खा रहे हैं, जो एनर्जी जो स्टोर करती है हमारी बॉडी, वो ग्लूकोज की फॉर्मेट में स्टोर करती है। ग्लूकोज को डिकम्पोज कराने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस जानी जरूरी है? ऑक्सीजन। जब यह करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा? ये CO2, और क्या निकालेगा? H2O। तो उल्टा हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है ना, हाँ कि ना यार? और इसमें जो डेल्टा एक्स है वो हमारा नेगेटिव आएगा। तुमने कभी अपने, अच्छा जब तुम सांस लेते हो, ब्रीथ इन करते हो या ब्रीथ आउट करते हो, ब्रीथ आउट देख लेते हैं, तो हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है, गर्म हवा निकलती है ना, एक बात। दूसरी बड़ी बात, तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो रेस्पिरेशन की वजह से रहता है। खाना पीना खाते हैं, एनर्जी निकलती रहती है, हीट आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होता रहता है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना हो सके और आपको कभी भी हाइपोथर्मिया या फिर बुखार ना हो सके। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी सारे काम अच्छे से कर पाएगी। अगर बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस आएगा तो खाना खाओ, सही हो जाओगे, कोई दवाई काम में नहीं आती। जल्दी से फटाफट से करेंगे इसे, फटाफट से हो गया ये सभी का। और ये रेस्पिरेशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज आप लोगों को करना है डाइसोल्यूशन। यहाँ पे कल मैंने इंस्टेंट पैक समझाया था आप लोगों को, कूल इंस्टेंट पैक पढ़ाया था। अरे हाँ कि ना यार, उधर है चेयर, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग डाइसोल्यूशन के लिए, और आज लिखेंगे हॉट पैक। अगर मान लो आप कोई एथलीट हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, खेला हो वे, उस खेला में आपको कहीं पे चोट लग जाती है, दोबारा से वैसे ही काम है, स्क्वीज करना है, पानी में मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, गरम गरम फील होगा, हॉट पैक बोलते हैं इसे। स्क्वीज टुगेदर हेयर, यहाँ पे इसके अंदर एक और पैकेट है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, इसके अंदर एक और पैकेट है। उस पैकेट में क्या है? कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्या है यहाँ पे? CaCl2, और ये मिलेगा तो बनेगा आपका Ca+2 एक्वस, प्लस में 2Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है? साथ में जो डेल्टा एच होगा प्यारे बच्चों वो नेगेटिव होगा। ये मुझे प्लस में नहीं लिखना है, ये मुझे कॉमा करके लिखना है, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी। अच्छा ये बताओ, हीट इसमें से रिलीज होने लग रही है, क्यू जो है इसमें से रिलीज हो रही है, ये सिस्टम है, क्या है ये? सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही है, क्या होगा? आपकी बॉडी हीट को क्या करेगी? आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन इसके चारों तरफ जो एयर होगी उसमें कोई फर्क? एयर यार बहुत ज्यादा है ना, वो मूव करती रहती है, समझ रहे मेरी बात? लेकिन आपको कैसी फीलिंग आएगी? फीलिंग हॉट, किसी को टच करो तुम्हें गर्म महसूस होगा, फीलिंग हॉट। इसमें हंसने की क्या बात थी? तो देख लो, तुम्हें अगर गर्म महसूस करना है तो हॉट, इंस्टेंट हॉट कूल पैक खरीद लो, 250 रुपए का आता है। तुम्हें ठंडा महसूस करना है, घर में फ्रिज होगी, 2 रुपए की बर्फ,
या फिर इंस्टेंट हॉट कूल पैक, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, क्या यह हो गया सभी का? चले